खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हारूनाबाद में फर्नीचर के कारोबार पर रकबे के लिहाज से लगाए जाने वाले सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरान का शदीद एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक ताजरान ने 17% सेल्स टैक्स को गैर मुनसिफाना और जालिमाना इकदाम करार देते हुए इसकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है। इस मौका पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हारूनाबाद के सदर हाफिज उमेर यासीन ने खिताब करते हुए कहा कि अगर सेल्स टैक्स वापस ना लिया गया तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद FBR के सामने धरना देंगे, जो मुतालबात तस्लीम होने तक जारी रहेगा। आपको एक बार फिर से आगाह करते हैं, हारूनाबाद में फर्नीचर के कारोबार पर रकबे के लिहाज से लगाए जाने वाले सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरान का शदीद एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक ताजरान ने 17% सेल्स टैक्स को गैर मुनसिफाना और जालिमाना इकदाम करार देते हुए इसकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है। इस मौका पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हारूनाबाद के सदर हाफिज उमेर यासीन ने खताब करते हुए कहा कि अगर सेल्स टैक्स वापस ना लिया गया तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद FBR के सामने धरना देंगे, जो मुतालबा तस्लीम होने तक जारी रहेगा। साथियों, और शुक्रियारी की जुबान में चश्मे मालोशन के लिए माशात कहता हूँ। मैं अपने बाहिमत बागैर पख्तूनों की जुबान में बाहर राग ले कहता हूँ। मैं यहाँ आपको तशरीफ लाने पर आका इनामदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अकदस में अहलम व सहलम प्रोग्राम की बाकायदा जो है वो, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, कुदरती भाई उबैदुल्ला जोया साहब के बड़े भाई हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं गुलाम उल्लाह खान जोया साहब। अल्लाह ताला ने और मेरे वालिद साहब के साथ इनका बड़ा ही प्यार का मोहब्बत का ताल्लुक रहा है। चूँकि ये कुदरती भाई जब फैमिली के साथ आए, मुझे देखकर ये मतलब इंटर हो गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने ख्याल का हमारा अंकल की प्रोग्राम ये है कि गवर्नमेंट ने, जैसे मैं 1 लाख रुपए की चीज़ देखता हूँ तो मुझे 7 पर्ची काट के देनी पड़ेगी 17%, यानी कि 17,000 रुपये। इस हवाले से है कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की चिश्तियाँ वाले पहुँच गए हैं, इधर पहुँच गए, तो आप प्लीज़, क्योंकि आपने जाना है, ज़रा 5-7 मिनट हमें जो है ये मौका दिया, प्लीज़ आप बात कर लीजिएगा, मुझे खुशी बहुत खुशी होगी। डॉक्टर नज़ीर अहमद जोया, पंजाब रंग न्यूज़।